हज़बिल्लमिनयज़ीम बसमिल्रम्स वरम वक् वेलकम टू समवेदा ई क्लासेस फ़ॉर उर्दू मीडियम अज़ीज़ तलबा तालिबात। जैसा कि आप तमाम को मेरा तारफ़ आप जान चुके हैं फिर भी एक मरतबा मैं अपना तारफ़ करा रही हूँ यहाँ पर मैं समीना मोहल्ले में सरकारी उर्दू आला इब्तेदाई मदरसा आश्रय कॉलोनी रायचोर आज हम जमात शशुम का मजमून साइंस से सबक नंबर एक जो कि आपका सफ़र नंबर एक पर मौजूद है बानवान गज़ा ये कहाँ से आती है फूड वेयर डज़ इट कम फ्रॉम की जो है ना तीसरी नशस्त में आप तमाम का जो है ना मैं तहदल से इस्ताल करती हूँ खुश आमादी अज़ीज़ तलबा अब तक जो है ना हम लोग अप, हमारी तीन क्लासेस जो है ना मुकम्मिल कर चुके हैं जी अब तक जो है ना हम लोग हमारी दो क्लासेस मुकम्मल कर चुके हैं ये आज की जो है ना हमारी तीसरी क्लास है तो बच्चों आगे बढ़ने से पहले मैं आप तमाम से ये गुजारिश करती हूँ कि आप अपने जमात शशम की दरसी किताब नोटबुक पेन और पेंसिल लेकर जो है ना आप आज की क्लास का जो है ना मुलाजा कीजिए और मैं जो भी यहाँ पे अहम नुकात आपको बता रही हूँ चलते चलते उसे नोट करती करिए और बच्चों इन ये जो भी पॉइंट्स हैं ये आपको जो है ना आपके आ, आने वाले सबक से जो है ना रिलेटेड रहते हैं उसी लिए जो है ना आप जो है ना इनको नोट करते चलिए आगे बढ़ने से पहले बच्चों मैं हमारी पिछली क्लास का इदा करने जा रही हूँ तो हमारी सबसे पहली क्लास जो पिछली क्लास थी उसमें हमने क्या क्या सीखा था बच्चों जी हाँ बिल्कुल सही हमने सीखा था जा के अकसाम गज़ा के अज्जा और गजा के ज़राए। इन तीनों पॉइंट्स के मुतल जो है ना मैं आपको जानकारी दे चुकी हूँ तलबा जैसा कि हम रोज़मर्रा अपनी ज़िंदगी में झज़ा के मुख्त की झजा का जो है न इस्तेमाल करते हैं जैसा कि सुबह का नाश्ता दोपहर का खाना और रात का खाने में जो है ना हमारी ा मुख्तलिफ होती है इसी तरह से बच्चों मौसम के लिहाज से भी जो है ना हम मुख्तलिफ कस्म की, की जो है ना गज़ा का इस्तेमाल करते हैं मैंने कई एग्ज़ाम्पल्स यानी मिसालों के तहत जो है ना इसको भी जो है ना मुख्तलि कस्म की जाओं से मुतल आपको जानकारी दी थी इसी तरीके से गजा के अज़ा बच्चों आप तमाम को मालूम हो चुका है कि हम ज़ा को जब तैयार करते हैं तो उसके लिए ज़रूरी क्या क्या जो है ना अजा की हमें ज़रूरत पड़ती है यही गज़ा के जो है ना अहम अज्जा कहलाते हैं जिससे जो है ना हमारी ा तैयार होती है ये भी जो है ना हम मुख्तलि किस्म के जो है ना एग्ज़ाम्पल्स के थ्रो मालूम किए हैं और सबसे अहम पॉइंट जो है बच्चों वो है झजा के ज़रा जी हाँ बच्चों आपको आप सभी को पता है कि गजा के दो अहम ज़राएँ हैं एक है पेड़ पौधे और दूसरे हैं जानवर यानी हम लोग जो है ना पेड़ पौधों और जानवरों के मुतल जो है ना कई एग्जांपल्स के ज़रिए आप लोगों को ये बता चुकी हूँ मैं कि ये दो जो है ना ग़ा हमारी गिजा हासिल करने के दो अहम और सबसे बड़े जराए हैं जैसा कि आप तमाम को मालूम है हमारी ज़िंदगी में यानी हमें ज़िंदा रहने के लिए झजा बहुत ही ज़रूरी है जैसा कि झजा हमें तवानाई फरहम करती है से जो है ना हमारी बढ़ोतरी होती है नशोनुमा होती है और साथ ही साथ बच्चों झा जब हम अच्छी झा खाते हैं तो हमारी सेहत भी अच्छी रहती है हमारी अच्छी सेहत के लिए जो है ना बहुत ही ज़रूरी है इन तमाम चीज़ों के मुतालिक जो है ना हम पिछली सबसे पहली क्लास में जो है ना मालूम हासिल कर चुके हैं बच्चों पिछली दूसरी क्लास में हमने क्या सीखा था जी पिछली दूसरी क्लास में हमने पौधों के हिस्से और महासिलत के बारे में जानकारी हासिल की थी जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पौधे के, के मुख्तलिफ़ हिस्से कौन कौन से हैं तुलवा क्या आप लोग बता सकते हो पौधे के मुख्तलिफ़ हिस्से कौन 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 से हैं जी हाँ बिल्कुल सही पौधे के मुख्तलिफ हिस्से हैं जड़ तना पत्ता फूल फल और बीज इसी से मुतल जो है ना मैंने पत्ते के हर हिस्से के से रिलेटेड जो है ना कई एग्जांपल्स जो है ना मैंने बताया था जो कि हम रोज़मर्रा अपनी ज़िंदगी में ज़ा के तौर पर जो है ना इसका इस्तेमाल करते हैं तो बच्चों बताइए पौधे के जड़ वाले हिस्से से हम के तौर पर कौन सी चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं जी हाँ पौधे के जड़ वाले हिस्से से जो है ना हम लोग जो ग़ा के तौर पर इस्तेमाल करते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल गाजर मूली जी हाँ बच्चों न्र आलू ये तमाम जो है नज़ा के जो है ना पौधे के जड़ वाले हिस्से से हासिल होने वाली झजा है इसी तरह पौधे के तने वाले हिस्से से कौन से झजा हम इस्तेमाल करते हैं जी हाँ पौधे के तने वाले हिस्से से आलू प्याज लहसुन जैसी जो है ना तर, को जो है ना हम अपनी झजा के तौर पर इस्तेमाल करते हैं इसी तरह पत्ता वाला हिस्सा जो है पौधे का वो जो है ना हमारी ग़ज़ा के तौर पर हम कौन से कौन से पत्ते वाली सब्ज़ियाँ अपने रोजमर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं तलबा जी हाँ पालक जी कोतिमेर पुदीना पत्ता गोभी यही मिसालें जो है ना आपको बताते हुए मैं एक्सप्लेन की थी इसी तरह पत्ते का जो पौधे का जो फल वाला हिस्सा है जैसा कि टमाटर बैगन शिमला मिर्च जी हाँ वगैरह वगैरह जो है ना ये हमारे पत्ते के फल वाले हिस्से से जो है ना हम लोग ग़ा के तौर पर इसको इस्तेमाल करते हैं और पत्ते का फूल वाला जो हिस्सा है वो है फूल गोभी और ब्रोकॉयल जी हाँ बच्चों मैंने ये दो एग्ज़ाम्पल्स आपके सामने समझाया था वो कौन से हैं फूल गोभी और ब्रोकॉयल जो के पत्ते के फूल वाले हिस्से से जो है ना हम लोग इस्तेमाल करते हैं और साथ ही साथ पत्ते के जो पौधे का जो बीज वाला हिस्सा होता है ना बच्चों पत्ते के पौधे का पौधे का बीज वाला जो हिस्सा है उस वो जो है ना हम फॉर एग्ज़ाम्पल गेहूँ जवार मुख्तलिफ किस्म की दालें अनाज ये तमाम जो है ना पौधे के बीज वाले हिस्से से हमें हासिल होते हैं तो ये तमाम जो है ना हम लोग जानकारी हमारी दूसरी जो है ना पिछली दूसरी क्लास में हासिल कर चुके हैं इसी तरह से हैवानी मुाशिलत में हम लोग जो है ना मूंग और चने के जो है ना बीजों से स्प्राउट्स यानी कि किस तरीके से कले पूटना है एक छोटे से वीडियो में जो है ना मैंने आपको इसके बारे में जानकारी दी थी एक्सप्लेनेशन किया था कि एक मरहला बमहला हम जो है ना स्प्राउट्स जो है ना कले फूटने का तरीक़ा यानी कले फूटने का अमल किस तरह होता है इसके बारे में भी मैंने आपको बताया था बच्चों चलिए आज की क्लास में हम जानेंगे जानवर क्या खाते हैं और जो है ना के सवाल के सवाल यानी बच्चों आज का जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं वही टॉपिक से रिलेटेड जो है ना चंद सवाल मैं आपको जो है ना उसके चंद सवाल के जवाब जो है ना मैं आपको पूछ के जो है ना उसके जवाब भी आपको बताऊंगी वही सवालत के जवाब होंगे चलिए बच्चों बच्चों अब हम आगे बढ़ते हैं क्या आपको मालूम है के शहद कहाँ से आता है जैसा कि ये तस्वीर में आपको नज़र आ रहा है बच्चों ये शहद का छत्ता है जी हाँ बिल्कुल सही शहद किस तरह हासिल किया जाता है बच्चों कोई आप में से बता सकते हो शहद किस तरह हासिल किया जाता है और जो है ना क्या आपको पता है शहद कहाँ से आता है तो चलिए हम मालूम करते हैं बच्चों क्या आप शहद के मक्खियों का छत्ता देख चुके हैं जी हाँ मैं ज़... समझ सक मैं समझती हूँ कि बहुत ज़्यादा आप तमाम ने जो है ना शहद के मक्खी का जो है ना छत्ता होता है उसको देखा होगा उसको जो है ना जाना होगा जहाँ पर जो है ना आपने बहुत सी मक्खियों को भिन भिनाती रहती हैं उसको भी उसका भी जो है ना आपने मुशाह किया होगा तो ब, बच्चों मक्खियाँ फूलों से जो है ना रस जिसको इंग्लिश में नेक्टर कहा जाता है रस को जमा करती हैं और इसे शहद में तब्दील करती हैं ये हवानी महासिलत में हम म, शहद की मक्खियों के, के मुतालिक जानकारी हासिल कर रहे हैं बच्चों इससे जो है ना शहद शहद की मक्खियाँ जो है ना नेक्टर से जो है ना शहद को जमा करती हैं और इसे शहद में तब्दील करके अपने छत्ते में जमा कर लेती हैं और बच्चों क्या आपने और क्या आखिर मक्खियाँ शहद जमा क्यों करती हैं जी क्योंकि फूल और उसका रस साल भर में कुछ ही दिनों के लिए दस्तयाब रहता है यानी फूल और जो है ना फूलों का रस जो है ना साल भर में चंद दिनों के लिए जो है ना दस्तयाब रहता है यानी वही चंद उन्हीं दिनों में जो है ना हम वो फूलों के रस को जो है ना हासिल कर सकते हैं इसीलिए मक्खियाँ इस रस को पूरे साल भर जो है ना इस्तेमाल करने के लिए जमा करते हैं कलेक्ट करके रख लेते हैं जब हम किसी ऐसे छत्ते को देखते हैं तो इसे पिज़ा के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं तुलबा आप तमाम को पता है कि शहद हमारी सेहत के लिए जो है ना बहुत ही फ़ायदा मंद है बहुत ही मुफीद है और जो है ना ये शहद जो है ना आप रोज रोज़ाना इसका इस्तेमाल करेंगे तो आपके जो है ना सेहत के लिए जो है ना ये बहुत ही फ़ायदा मंद होगा लबा अब तक हमने पढ़ा के पौधे के जो है ना मुख्तलिफ़ हिस्से कौन से हैं उससे उसके साथ साथ अब जो है ना प्रजेंट हम हेवानी महासिलत बतौर जा के तौर पर जो है ना हम लोग किस तरह इस्तेमाल करते हैं यानी कि स्प्राउट्स भी ले सकते हैं आप और शह जो है ना शहद के मखियों का यानी शहद का इस्तेमाल भी जो है ना हवानी महासिलत में ही आता है बच्चों इसका इस्तेमाल किस तरह होता है हम इसके मतलब जो है ना जानकारी हासिल किए हैं अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मैं आज आप लोगों के साथ अल्लाह ताली की एक छोटी सी और दाना मखलूक यानी शहद की मक्खियों के मुल्लिक एक सबक अमूस तबसरा करना चाहता हूँ भाइयों शहद की मखिया शहद बनाने के लिए फूलों का जो रस जमा करती है वो सब का सब शहद नहीं होता इसका सिर्फ एक तिहाई हिस्सा शहद बनता है शहद की मक्खियों को एक पोन शहद के लिए बीस लाख फूलों का रस हासिल करना पड़ता है इसके लिए मक्खियां तकरीबन 20 लाख उड़ाने करती है और इस दौरान में वो मजमूरी तौर पर पचास हज़ार मील तक की मसाफत तय करती है रस जब मतलूबा मकदार में जमा हो जाता है तो उसके बाद शहदसाजी का अमल शुरू हो जाता है भाई व शहत अपने इब्तदाई मरहला में पानी की तरह रकीक यानी नरम होता है शहत तैयार करने वाली मक्खियाँ अपने परों को पंखे की तरह इस्तेमाल करके फाजिल पानी को भाप की मानन उड़ा देती है जब यह पानी उड़ जाता है तो उसके बाद एक मीठा सेयाल बाकी रह जाता है जिसको मखिया चूस लेती है मक्खियों के मुंह में अल्लाह ताला ने ऐसे उदूद पैदा किए हैं जो अपने अमल से इस मीठे सयाल मादा को शहद में तब्दील कर देते हैं अब मखिया इस तैयार शहद को छत्ते के मखसूस तौर पर बने हुए सुराखों में भर देती है ये सुराख दूसरी मखिया मोम के जरिए हद दर्जा कारीगरी के साथ बनाती है मखिया शाहत को इन सराखों में भर इसको डब्बा बन गज़ा की तरह इत... के साथ महफूज कर देती है ताकि आइंदा वो इंसान के काम आ सके इस तरह के बेशुमारहतमाम है जो शहाद की तैयारी में किए जाते हैं खुदा ऐसा भी कर सकता था कि तुलसमाती तौर पर अचानक शहद पैदा कर दे या पानी की तरह शहाद का चश्मा ज़मीन पर बहा दे मगर उसने ऐसा नहीं किया खुदा हर किस्म की कुदरत के बावजूद शहाद को इसबाब के एक हद दर्जा कामिल निज़ाम के तहत तैयार करता है ताकि इंसान को सबक हो वो जाने कि खुदा ने दुनिया का निज़ाम किस ढंग पर बनाया है और किन कवानीन व आदाब की पैरवी करके खुदा की इस दुनिया में कोई शख्स कामयाब हो सकता है दोस्तों शहद की मक्खी जिस तरह अमल करती है इसको एक लफ्ज़ में मनसूबा बन अमल कह सकते हैं यही इंसान के लिए भी है इंसान भी सिर्फ इस वक्त कोई बाानी कामयाबी हासिल कर सकता है जबकि वो मनसूबा बन आमल के ज़रिए अपने मकसद तक पहुँचने की कोशिश करे मनज़म और मनसूबा बन आमल ही इस दुनिया में कामयाबी हासिल करने का वाहिद और यकीनी तरीक़ा है शहद की मक्खी के लिए भी और इंसान के लिए भी व आखिर दावाना अनिलहमदिल्लाबीन अब हम मालूम करेंगे कि जानवर क्या खाते हैं आज की जो क्लास है हमारी जिसके मतलब आज हम जानकारी हासिल करेंगे वो है जानवर क्या खाते हैं बच्चों क्या आपके पास कोई मवेशी या पालतू जानवर है जिसकी आप देखभाल करते हो जी हाँ बाद लोगों बाद तुलबा के पास मवेशी यानी कोई ऐसा पालतू जानवर होगा जिसे आप लोग जो है ना उसकी देखभाल करते होंगे बच्चों जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल कुत्ता, बिल्ली भैंस या बकरी ठीक है ना बच्चों तो फिर आप इस गज़ा से ज़रूर वाकिफ़ होंगे जो ये जानवर खाते हैं ठीक है ना बच्चों आपको पता होगा कि मवेशी यानी कि पालतू जानवर जैसे कि कुत्ता बिल्ली वगैरह जो है ना अपने भैंस और बकरी जो है ना अपने झजा के तौर पर कौन सी गजा का इस्तेमाल करते हैं क्या आपने कभी इस बात का मुशाह किया है गिलहरी कबूतर छिपकली वगैरह जो है ना गज़ा के तौर पर किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं अगर नहीं किया है तो ये मुशाहिदा कीजिए बच्चों और जो है ना अपने बड़ों से और अपने उस्ताद से मालूम कीजिए कि ये जो मुख्तलिफ़ जानवर जो हैं जैसा कि गिलहरी कबूतर छिपकली वगैरह जो है ना अपने गज़ा के तौर पर किन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं यहाँ पर बच्चों में एक फ़हरिस्त बता रही हूँ ये एक छोटा सा जदोल है इसमें चंद जानवरों की फहरिस्त में जो है ना नाम दिए गए हैं बच्चों इनमें से कुछ जानवरों के ज़रिए ली जाने वाली ज़ा की किस्म भी बताई गई है दी गई है और भी जो है ना दूसरे जानवरों के बारे में आप लोग इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हो बच्चों यहाँ पे मैंने चंद जानवरों के नाम जैसा कि नंबर वन भैंस है तो भैंस जो अपने गज़ा के तौर पर यानी गज़ा जो जानवर खाते हैं यानी वो कौन से झजा इस्तेमाल करते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल भैंस जो है ना घास भूसा अनाज वगैरह का इस्तेमाल करती है उसी तरह से बच्चों बिल्ली बिल्ली जो है ना अपने ग़ा के तौर पे छोटे जानवर चूहा घास परिंदे वगैरह का जो है ना इस्तेमाल करके जो है ना अपनी झजा खुद जो है ना तैयार कर लेते हैं यानी कि इन चीज़ों पे डिपेंड रहते हैं और तीसरा है शेर जैसा कि शेर अपने ग़ा के तौर पे कौन से जानवरों को जो है ना अपनी ग़ा बनाते हैं वो जानवर हो सकते छोटे हिरन भैंस वगैरह ये तमाम चीज़ों को जो है ना वो अपनी झजा के तौर पर इस्तेमाल करते हैं घरेलू छिपकली बच्चों छोटे छोटे कीड़े मकोड़े तितली टिड्डा वगैरह का जो है ना वो अपने ज़ा के तौर पर इस्तेमाल करते हैं ये चीज़ों का जो है ना आपने मुशाह किया होगा तितली तितली जो है ना फूलों का रस चूस के जो है ना उससे अपनी झजा जो है ना अपनी झजा के तौर पर जो है ना फूलों के रस का इस्तेमाल करते हैं इसी तरीके से बच्चों इंसान जैसे कि आप तमाम को मालूम है हम सारे जो है ना इंसान जानवरों और पेड़ पौधों से जो है ना अपनी झजा हासिल करते हैं ये तमाम जो है ना बच्चों इस जदोल से हम ये कह सकते हैं कि कुछ जानवर इसमें आप ऑब्ज़र्व कीजिए बच्चों कुछ जानवर घास खा रहे हैं कुछ जानवर छोटे और जानवरों को खा रहे हैं कुछ जानवर कीड़े मकोड़ों को खा रहे हैं कुछ जानवरों के जो है ना ग़ा पेड़ पौधे भी है तो इस जदौल से हम ये जानकारी ले सकते हैं बच्चों के कुछ जानवर घास खाते हैं और कुछ जानवर दूसरे जानवरों को खाते हैं और जो है ना इनमें से चंद ऐसे जानवर हैं कुछ जानवर ऐसे भी हैं जो घास और जानवर दोनों को जो है ना खाते हैं दोनों को अपनी ग़ा के तौर पर इस्तेमाल करते हैं ये समझ में आया ना बच्चों जी हाँ बच्चों कुछ जानवर क्या करते हैं घास खाते हैं कुछ जानवर दूसरे जानवरों को खा के अपनी झजा जो है ना हासिल करते हैं और जो है ना कुछ जानवर ऐसे भी हैं जो घास और जानवर दोनों को भी जो है ना खा कर अपनी झजा को जो है ना हासिल करते हैं इसी बिना पे इसी बुनियाद पर जो है ना हम इन जानवरों को जो है ना आप तीन हिस्सों में जो है उनकी दर्जा बंदी करेंगे बच्चों जानवरों को उनकी खाने वाली ग़ा के मुताबिक जो है ना हम थ्री टाइप्स में डिवाइड करेंगे पहला है नबातात खोर जिन्हें अंग्रेजी में कहते हैं हर्बियोरस। दूसरा है गोश्त खो अंग्रेज़ी में उसको हम क्या कहेंगे बच्चों कैरनीस और जो तीसरी किस्म है वो है हमा जिसे हम ओमनी कहते हैं जी हाँ बच्चों जो जानवर झजा खाते हैं उनको जो है ना हम तीन हिस्सों में जो है ना बांटे हैं अब इनके मुतल जो है ना एक के बाद हम जानकारी हासिल करेंगे यहाँ पे देखिए बच्चों कितनी खूबसूरत सी तस्वीर यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ सबसे पहले वो जानवर जो सिर्फ़ पौधों को खाते हैं नबाता कहलाते हैं ठीक है ना बच्चों एक टाइम फिर देखिए वो जानवर जो सिर्फ पौधों को खाते हैं यहाँ पे तस्वीर में आपको जो भी जानवर नज़र आ रहे हैं ना वो सिर्फ़ क्या खाने वाले जानवर हैं बच्चों नबाता यानी कि सिर्फ़ पौधों को खाने वाले जानवर हैं जैसा कि यहाँ पे मैं मिसाल के तौर पे आपको बता रही हूँ गाय बकरी और जो है ना भैंस घोड़ा हिरन तितली और जो है ना तोता पैरोट ये तमाम जो है ना क्या है ये पौधों को खाने वाले जानवर हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं नबातात खोर जी हाँ ना बच्चों आप समझ चुके होंगे कि पौध जो जो जानवर पौधों को अपने गजा के तौर पर इस्तेमाल करते हैं उन्हें जो है ना नबातात खोर कहते हैं उनकी चंद मिसालें इस तस्वीर में आपको दिखाई दे रही होगी आगे देखिए बच्चों वो जानवर जो सिर्फ जानवरों को खाते हैं गोश्त खोर कहलाते हैं यहाँ पे भी देखिए कितनी अच्छी तस्वीर है ये तमाम जानवर जो है ना गोश्त खोर जानवर कहलाते हैं जैसा कि शेर बाघ सांप मकड़ी मगरमच्छ छिपकली ये ये जो चंद जानवरों की मिसालें जो आपके तस्वीर में नज़र आ रही हैं ना बच्चों ये क्या है खोर जानवरों की मिसालें हैं ये तमाम जो है ना गोश्त खोर कीड़े मकोड़े अप छोटे अपने से छोटे जानवरों को जो है ना अपने गज़ा के तौर पर इस्तेमाल करते हैं और जो है ना तीसरी जो किस्म है वो है वो जानवर जो पौधों और दूसरे जानवरों को खाते हैं हमाखोर कहलाते हैं हमाखोर यानी के पौधों को भी अपनी गजा के तौर पर इस्तेमाल करते हैं और जो है ना दूसरे जानवरों को भी जो है ना अपनी ज़ा के तौर पर इस्तेमाल करते हैं ऐसे जानवरों को जो है ना हम क्या कहेंगे बच्चों हम कहते हैं जैसा कि तस्वीर में यहाँ पे चंद मिसालें दी गई हैं कौवा गिलहरी कुत्ता इंसान और जो है ना चूहा ये तमाम जो है ना ख़ोर जानवरों की, की मिसालें हैं बच्चों समझ में आया ना ये ऐसे जानवर हैं जो पौधों और जानवरों को जो है ना अपनी ग़ा के तौर पे इस्तेमाल करते हैं बच्चों आज जो है ना जो भी जानकारी मैं आपको दी हूँ मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि जानवर किन किन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं यानी कि जानवर क्या खाते हैं उससे मुतल जो है ना हम आपको अब तक मैंने जानकारी दी अब चलिए इसी टॉपिक से रिलेटेड जो है ना चंद मशी सवाल मैं आपके सामने रखती हूँ सवालत के साथ साथ जवाब भी यहाँ पर हैं और बच्चों जैसा कि आप अपने नोटबुक और किताब के साथ यहाँ पे बैठे होंगे तो आप मैं ये समझती हूँ कि आप ये जवाब सवाल के जवाब को नोट करते चलिए क्योंकि ये आपको जो है ना आगे जब आपके एग्ज़ाम के वक्त जो है ना ये काम में आने वाले हैं बच्चों इसकी आपको बहुत ही ज़रूरत होगी तो मशी सवाल में सबसे पहला हमारा सवाल है नबात खोर जानवर किसे कहते हैं ठीक है ना बच्चों नबाता खोर जानवर किसे कहते हैं मिसाल दीजिए अभी मैंने आपको बताया था वो जानवर जो सिर्फ़ पौधों को जो है ना खाते हैं नबातात खोर कहलाते हैं मिसाल के तौर पे गाय बकरी भैंस घोड़ा वगैरह बच्चों आप नोट कर रहे होंगे ना जो आप देखिए वो जानवर जो सिर्फ़ पौधों को खाते हैं नबाता कहलाते हैं मिसाल है गाय बकरी भैंस घोड़ा वगैरह इसी तरह से दूसरा सवाल देखिए बच्चों आप नोट के, नोट कीजिएगा गोश्त खोर जानवर किसे कहते हैं मिसाल दीजिए गोश्त खोर जानवर किसे कहते हैं मिसाल दीजिए जवाब है वो जानवर जो सिर्फ जानवरों को खाते हैं गोश्त खोर कहलाते हैं मिसाल है शेर बाघ, चूहा कुत्ता वगैरह जवाब देखिए बच्चों वो जानवर जो सिर्फ जानवरों को खाते हैं गोश्त खोर कहलाते हैं मिसाल शेर बाघ, चूहा कुत्ता वगैरह आप नोट कर रहे हो ना बच्चों इसी तरह से हमारा तीसरा सवाल है <दीजिये> हमाहोर जानवर किसे कहते हैं मिसाल दीजिए <दीजीये> हमाहोर जानवर किसे कहते हैं मिसाल दीजिए तो जवाब है वो जानवर जो पौधों और दूसरे जानवरों को खाते हैं हमाहोर कहलाते हैं वो जानवर जो पौधों और दूसरे जानवरों को खाते हैं हमाहोर कहलाते हैं इसकी मिसाल है कवा गिलहरी वगैरह कवा गिलहरी वगैरह तो बच्चों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इंसान को जानवरों के कौन से ज़मरे में रखा जाता है यानी कि जैसा कि हम जानवरों को तीन अलग अलग, अलग ग्रुपों में डिवाइड करें है, हैं उसी तरीके से इंसान को जो है ना हम कौन से ग्रुप में डिवाइड किए हैं कौन से जो है ना किस्म में जो है ना इंसान को शामिल किया जाता है उसे ज़मरा कहा जाता है बच्चों कौन से ज़मरे में इंसान को रखा जाता है जैसा कि आप ऊपर का जवाब है इंसान को जो है ना जानवरों के हम जिमरे में रखा जाता है बच्चों क्योंकि इंसान जो है ना हम है इंसान पेड़ पौधों और जानवरों को दोनों को भी जो है ना अपनी ज़ा के तौर पर इस्तेमाल करता है इसी वजह से जो है ना इंसान जो है ना ख़ोर कहलाता है तो बच्चों मैं उम्मीद करती हूँ कि आप जो है ना इन तमाम मश्क़ी सवाल के जवाब को नोट कर चुके होंगे और आज की जो हमारी तीसरी नशस्त चल रही थी जानवर क्या खाते हैं उसके तहत हमने चंद सवाल भी यहाँ पे उसके जवाब में बता चुकी हूँ बच्चों तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का जो सबक़ है वो ये नशस्त में आज की क्लास आपको जो है ना कोशिश कीजिए कि इसको समझने की, की कोशिश कीजिए बच्चों जो है ना इन मैं आपको जो है ना मेरी अगली क्लास में जो है ना फिर से आपको इसके आगे का जो पार्ट होगा उसको मैं बताऊंगी चलते चलते बच्चों आखिर में घर पर काम देखिए घर पर काम जो है ना मैं आपको एक छोटा सा प्रोजेक्ट यहाँ पे दे रही हूँ बच्चों ये प्रोजेक्ट को मुकम्मल कीजिए और जो है ना अपने उस्ताद से जो है ना इसको बत, इसके बारे में और एक्स्ट्रा जानकारी कुछ चाहिए तो आप उनसे मालूम हासिल कीजिए तो आज का जो आपका सवाल है बच्चों घर पर काम का आपने अपने घर के आसपास जंगली छिपकली को देखा होगा मैं जानती हूँ बच्चों आसपास आप जो है ना घरेलू छिपकली को तो आप जानते ही होंगे बच्चों यहाँ पे जो है ना जंगली छिपकली के बारे में मैं बता रही हूँ आपको जंगली छिपकली को आपने देखा होगा अगली मरतबा नेक्स्ट अगर अभी तक नहीं देखे हैं तो आप जब आप उसको जंगली छिपकली को देखेंगे तो बच्चों आप जो है ना इसे देखेंगे तो इसका ग़ौर से मुशाह कीजिए बच्चों क्या मुशाह करना है आपको आ, और देखिए कि ये क्या क्या खाती है यानी किन चीज़ों को जो है ना अपने झजा के तौर पर जंगली छिपकली इस्तेमाल करती है क्या इसकी गज़ा घरेलू छिपकली की झजा से मुख्तलफ़ है यानि कि घरेलू छिपकली में और जो है ना जंगली छिपकली में कुछ तो भी आपको फ़र्क नज़र आ रहा होगा बच्चों उसको नोट कीजिए और उसके बारे में जो है ना अपने उस्ताद से मालूम हासिल कीजिए बच्चों में उम्मीद करती हूँ कि आप ज़रूर इस प्रोजेक्ट को कम्प्लीट करोगे मुकम्मिल करोगे इसी के साथ मैं समीना असिस्टेंट टीचर गवर्नमेंट उर्दू एच पी एस आश्रा कॉलोनी रेचूर, आप तमाम का शुक्रिया अदा करती हूँ अल्लाह हाफिजा